Hello everyone, I am Nirpendra Yadav, Senior Research Analyst at Swastika Investment Limited. Last week, Bank of England की मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट अनुमान से डबल इंक्रीज किया गया है. साथ ही यूएस फेड चेयर जेरोम पावेल द्वारा इस साल में दो बार रेट हाइक करने की संभावनाओं को अपने टेस्टिफाई में मजबूती प्रदान की है और यूएस से जारी होने वाले एग्जिस्टिंग होम सेल्स और बिल्डिंग परमिशन के डेटा अनुमान से बेहतर दर्ज किए गए, जिसके कारण से गोल्ड और सिल्वर में जो सेलिंग का दबाव था लास्ट वीक में हमें लगातार देखने को मिला. इस वीक के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के गवर्नर के साथ फेड चेयर जेरोम पावेल की स्पीच गोल्ड और सिल्वर के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी. वहीं यूएस से जारी होने वाले फाइनल जीडीपी, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स के डेटा गोल्ड और सिल्वर की कीमतों को अफेक्ट कर सकते हैं. टेक्निकली इस वीक भी गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में सेलिंग का दबाव ऊपरी लेवल्स पे हमें देखने को मिल सकता है. गोल्ड में रेजिस्टेंस 59,000 पर है, वहीं इसका सपोर्ट 57,500 पर है. सिल्वर में रेजिस्टेंस 71,000 पर है और इसका सपोर्ट 67,000 पर है. हायर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज बोरोइंग कॉस्ट फॉर बिजनेस एंड कंज्यूमर्स विच कुड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे क्रूड ऑयल की कीमतों में डिमांड कंसर्न देखने को मिल रहा है. इस वीक भी क्रूड ऑयल की कीमतों को ऊपरी लेवल्स पर सेल करके चल सकते हैं. क्रूड ऑयल में रेजिस्टेंस 5900 पर है, वहीं इसका सपोर्ट 5500 पर है. नॉर्मल देन हॉटर वेदर फोरकास्ट के चलते नेचुरल गैस की कीमतों में लोअर लेवल्स पर सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है. जुलाई कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल गैस में सपोर्ट 208 पर है, वहीं इसका रेजिस्टेंस 230 पर है. यूरो जोन से जारी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के डेटा लास्ट वीक अनुमान से कमजोर दर्ज किए गए. साथ ही रेट हाइक की बढ़ती संभावनाओं के बीच बेस मेटल्स की कीमतों में एक बार फिर से सेलिंग का दबाव हमें देखने को मिल रहा है. हालांकि इस वीक में चीन से जारी होने वाले मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े बेस मेटल्स की कीमतों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे. जुलाई कॉन्ट्रैक्ट कॉपर में सपोर्ट 708 पर है, वहीं इसका रेजिस्टेंस 732 पर है. जिंक में सपोर्ट 208 पर है और इसका रेजिस्टेंस 222 पर है. वहीं एल्यूमिनियम में सपोर्ट 193 और इसका रेजिस्टेंस 203 पर है. एग्री कमोडिटीज में इस वीक जीरा और टर्मरिक की कीमतों में तेजी जारी रहने की संभावना है. वहीं ग्वार सीड की कीमतें रेंज बाउंड रह सकती है. तो ये था हमारा इस वीक के लिए कमोडिटी मार्केट पर अपडेट. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.